हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं रीजनरेशन। ठीक है, इसे हिंदी में पुनरुद्भवन कहा जाता है। रीजनरेशन मतलब न्यू फॉर्मेशन, कहने का मतलब यदि कोई आर्गन है वो टूट फूट हो गई है या कहीं डैमेज हो गई है तो वहाँ पर क्या हो जाना, उसकी पूर्ति हो जाना क्या कहलाएंगे, रीजनरेशन कहलाएंगे। ठीक है, या फिर रीजनरेशन के फलस्वरूप होती है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रा के पौधे की, तो अगर ये हाइड्रा के पौधे के कोई भी भाग है, ठीक है, छोटे से भाग अगर टूटकर अलग हो जाता है किसी कारणवश, तो ये जो इसके इसके जो छोटे से टुकड़ा है वो क्या होगा, पूर्ण रूप से डेवलप होकर एक हाइड्रा बना लेती है। इसे क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। ठीक है, अगर हम रूल ऑफ रीजनरेशन की बात करें, देखते हैं कि यहाँ पर हायर एनिमल में कैसा रहता है और लोअर एनिमल में। ठीक है, तो सिंपल एनिमल कहने का मतलब क्या है, लोअर एनिमल। तो सिंपल एनिमल में इनकी जो रीजनरेशन की प्रोसेस है वो हाई रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ये भी बताइए, लो एनिमल ही है, ठीक है, लोअर एनिमल ही है, ये क्या हो रही है, इसमें जो रीजनरेशन के प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। बात करते हैं यहाँ पर हायर एनिमल की। हायर एनिमल में क्या होते हैं, जब इम्ब्रियो का डेवलप हो रही होती है, ठीक है, उस दौरान जब उसकी प्राइमरी डेवलपमेंट हुई रहती है, उस समय इनकी जो रीजनरेशन के प्रोसेस है वो हाई रहती है। यदि इसकी फॉर्मेशन और थोड़ी लेट हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में इसमें रीजनरेशन के प्रोसेस है नहीं या फिर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप ऑफ रीजनरेशन। टाइप ऑफ रीजनरेशन में सबसे पहले देखते हैं एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। इस तरह के रीजनरेशन में, ठीक है, इस तरह के जो एपिमॉर्फिक रीजनरेशन है, इसे मार्गन नामक साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, यदि कोई आर्गन टूट जाती है, ठीक है, किसी कारण कट जाती है, तो वहाँ पर स्टेल का डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है और वो आर्गन बन जाती है। जैसे कि अगर इसमें देखें सीलामेंडर, तो सीलामेंडर में जैसे उसके लिम्ब है, ठीक है, अगर वो कट जाए तो बच जाती है। इसी तरह से इसमें क्या लिजार्ड है, लिजार्ड का क्या है, टेल वाला भाग, उसका पूछ भाग, ये रिजार्ड लिजार्ड है, लिजार्ड का ये पूछ अगर ये क्या हो जाता है, कट गई, तो कट जाने के बाद फिर से इसमें शेर में डिवीजन होती है और होकर फिर से क्या बना लेती है, इसका टेल को बना लेती है। तो इस तरह के जो रीजनरेशन होंगे उसे कहेंगे एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। अब ये जो मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन है, इस तरह के रीजनरेशन में क्या होता है, यदि कोई भी एनिमल है, ठीक है, से एनिमल जिसे दो या दो से अधिक भागों में काट दिया, अभी कितने भी उसे भागों पर उसे काट दिया जाए, उसके हर एक भाग से एक एक न्यू ही क्या हो जाएंगे एनिमल, तो एक पूरा उसका बॉडी बन जाए, जिसकी हाइड्रा है, ठीक है, तो इस हाइड्रा का कई भागों में इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और इसके प्रत्येक भाग से एक नया हाइड्रा का पौधा है, सॉरी हाइड्रा है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, पौधा नहीं है ये, एक प्रकार के एनिमल है, तो हाइड्रा है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, रीजनरेशन। किसके मॉर्फोलिटिक रीजनरेशन कहेंगे, जो हाइड्रा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन है, इसमें क्या होती है, यदि किसी भी उसके बॉडी का अगर कोई भी आर्गन को निकाल दिया जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति सामने वाला करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि यहाँ पर प्लेनेरिया है, ठीक है, तो ये प्लेनेरिया का क्या करे, यहाँ का उसके अगर उसके आई को बाहर कर दिया जाता है तो क्या होता है, उसके आसपास के जो सेल है वो क्या करती है, इसके जो आई है, आई वाला भाग बनाने का, साथ में थोड़े वहाँ पर आगे नर्व गैंग्लिया बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। यहाँ पर हेटेरोमॉर्फिक यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलता है, किसमें, तो प्लेनेरिया में। ठीक है, आगे आते हैं इसमें सुपर रिजर्वेशन। सुपर रिजर्वेशन किसे कहेंगे, तो ऐसा रिजर्वेशन जिसमें अगर एक ही एनिमल है, ठीक है, एक ही कोई एनिमल है, ठीक है, तो उस एनिमल में अगर कोई भी उसके आर्गन को एक से अधिक बनाना हो तब वो क्या कहेंगे, सुपर रिजर्वेशन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है कोई भी एक एनिमल है, उनका बहुत सारे क्या करनी है, सिर बनानी है, ठीक है, तो उस समय कौन सा जनरेशन यूज करते हैं, उस जनरेशन क्या कहते हैं, जो सुपर रीजनरेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ रीजनरेशन। आगे बात करते हैं हम रीजनरेशन इज डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल में देखते हैं कि रीजनरेशन है वो कैसे होता है, इनवर्टिब्रेट में और वर्टिब्रेट दोनों में देखेंगे रीजनरेशन की प्रोसेस है उसे। पहले देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट में यहाँ पर देख लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ये अमीबा है, यदि इस अमीबा को, ठीक है, इस तरह से काटे कि इनके जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ठीक है, वो सब भी क्या हो, हर एक टुकड़े के साथ हो, तब वो हर एक टुकड़ा क्या करती है, एक नया
अमीबा बना लेती है। ठीक है, आगे अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा के अगर उसके देह भित्ति को अगर अलग कर दिया जाए तो उससे क्या हो जाती है, एक नया पोरीफेरा एनिमल आ जाती है। इसी तरह अगर सिलेंट्रेटम में बात करके इसकी हाइड्रा, तो हाइड्रा में भी अभी आपको बताया कि अगर जैसे जितने भी कट करो, ठीक है, उसके हर एक पार्ट से क्या होती है, एक अलग हाइड्रा है वो डेवलप हो जाती है। आगे है यहाँ पर प्लेटीहेलमिंथिस प्लेनेरिया। अभी भी देखें हम प्लेनेरिया का, अगर ये मान लीजिए क्या है, प्लेनेरिया है, ये उसका सिर वाला भाग है, उसका मध्य भाग है, उसका सबसे पीछे वाला भाग है, ठीक है, एंटेरियर है, पोस्टेरियर है और मिड वाला भाग। अगर इसे इस तरह से काट दिया जाए और अलग अलग इसे कर दिया जाए तो ये सभी क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से एक प्लेनेरिया बना लेती है। ये हो गए लोअर एनिमल में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इकाइनोडर्मेटा में जाएं तो उसमें स्टार फिश होती है जो क्या करती है, उसमें भी रीजनरेशन के प्रोसेस से वो होती है। आगे देखते हैं वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट में नॉर्मली रीजनरेशन पूरे बॉडी का नहीं होता, बस कुछ कुछ आर्गन होते हैं। जैसे कि अगर हम फिश में देखें तो फिश के कौन सा आर्गन का रीजनरेशन होगा, तो केवल इसके जो फिन है, ठीक है, केवल इनके फिन का रीजनरेशन होगा, बाकी का रीजनरेशन नहीं होता, बाकी आर्गन का रीजनरेशन इसमें नहीं पाया जाएगा। इसी तरह से अगर एम्फीबिया में देखें तो एम्फीबिया के जो लार्वा होते हैं, ठीक है, उनमें रीजनरेशन देखने को मिलते हैं। जैसे ही वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं या फ्रॉग बन जाते हैं तो उनमें रीजनरेशन के प्रोसेस से वो नहीं होती है। आगे अगर रेप्टेलिया में देखें तो रेप्टेलिया के देखते हैं स्पेशली रिजार्ड है, उसमें उसकी टाइल है, ठीक है, पूछ है, वो क्या होती है, उनका रीजनरेशन होती है। मैमल्स में देखें तो कोई भी आर्गन का नहीं होता, केवल लीवर है, उनमें क्या होती है, रीजनरेशन के प्रोसेस है वो पाई जाती है। जैसे कि अगर बात करें मैमल्स में, अगर उसके हाथ कट गए तो फिर से हाथ नहीं बनती है, ठीक है, लेकिन एक लीवर है जिसमें अगर वहाँ पर छोटा सा अगर क्या हो गया, कट हो गया तो उससे क्या करती है, ये पुनः रीजनरेशन के फलस्वरूप उस घाव को ये भर देती है, ठीक है, ये हो गया रीजनरेशन। ओके, थैंक यू।